मधुमक्खी ने काट लिया रे, क्या क्या होगा भाई। हेलो गाइस, देखो चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम हैं इस टाइम पे भालुकपुंग में और होटल का नाम है ताशी होटल। सो हम यहाँ पे रात को पहुँचे थे 9:30 के करीब, क्योंकि रास्ते में मुकेश का टायर पंचर हो गया था। और फिर हमें दूसरी चीज़ ये पता लगी, जहाँ पे टायर पंचर फिक्स हो रहा था जो भाई कर रहे थे, उन भाई ने बताया कि आप भालुकपुंग में स्टे कर लीजिए, क्योंकि भालुकपुंग से तेजपुर के बीच में जो रास्ता है वहाँ पर मिस हैपनिंग्स होती रहती हैं, मतलब लूटपाट वगैरह ऐसा कुछ इंसिडेंट बताया। उन्होंने खुद अपने बड़े भाई का इंसिडेंट शेयर किया हमारे साथ। फिर उस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम भालुकपुंग रुक जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे होटल सर्च किया जिसमें हमारी बाइक अंदर सेफ से लग सके, तो बाइक हमारी सेफ से लग गई, हमको सबसे बड़ी खुशी यही है। रूम नॉट दैट गुड बट यस, रात निकालने के लिए ठीक था। रॉयल एनफील्ड में हम बात कर चुके हैं, तेजपुर का जो शोरूम है उसमें हम बात कर चुके हैं अपनी बाइक के लिए। शॉकर जो अभी का लीक हो था वो ठीक होगा वहाँ पे, तो निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से। तो जी, हम लोग निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो कि है तेजपुर। सो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जिन्होंने मुकेश की बाइक का पंचर लगाया था उन्होंने हमें एडवाइस किया था कि आप आगे मत जाओ तेजपुर, रात हो चुकी है। तो उन पंचर वाले भाई साहब की बात मानने का हमको दो फायदा हुआ। पहला फ़ायदा कि हम रात को इस रास्ते को जल्दी जल्दी में क्रॉस करते और हो सकता है हमारे साथ वो मिस हैपनिंग होती, नहीं होती वो अलग बात है, पर जैसा कि उन्होंने इंसिडेंट शेयर किया अपने बड़े भाई के साथ कैसा कैसा हुआ वो उन्होंने हमें बताया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज रात को भालुकपुंग में स्टे कर लेते हैं। दूसरा फ़ायदा हमें ये हुआ, आप इस रास्ते को देख रहे हो, इसके रोड के आसपास जो ग्रीनरी है वो कितनी अच्छी लग रही है। ये रोड एकदम मक्खन स्मूथ बना हुआ है, जो आनंद आ रहा है इस रोड पे इस बाइक को चलाते हुए वो हम लोग अगर रात के टाइम में इस रास्ते को क्रॉस करते तो हम उस फैक्टर को मिस कर देते। सो आप लोग इस रास्ते का मज़ा लीजिए और हम मिलते हैं आपसे तेजपुर में। ये है जी आपका रॉयल एनफील्ड का शोरूम तेजपुर वाला, जिस पर हम पहुंच चुके हैं। और ये है हाईवे, आगे चौक है, उस चौक से हमने राइट टर्न लिया। राइट टर्न लेते ही 1 किलोमीटर बाद ही ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। तो ये है जी वो शोरूम, यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अल्फा अंदर लग चुकी है। कितनी देर में हो जाएगा? एक है लेकिन आपको दो ही चाहिए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी पता लगा है कि दोनों वाली सीट लीक है, तो दोनों ही चेंज करवानी पड़ेगी। देखते कितना टाइम लगता है, एक ऑयल सील तो इनके पास है और एक ऑयल सील ये मंगवा रहे हैं, मिलती है कि नहीं मिलती। तो गाइस, अल्फा अभी रिपेयर हो रही है और हम लोग यहीं पे सोच रहे थे कि इस टाइम का फ़ायदा उठा कर खा पी लेते हैं ताकि रास्ते में दोबारा ना रुकना पड़े। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा। मुकेश बाबू, पिज़्ज़ा खाओगे? चलो गाइस, हम लोग खा लेते हैं पिज़्ज़ा, पेट पूजा कर लेते हैं। अल्फा भी रेडी होने वाली है, तो निकलेंगे यहाँ से। और ये शॉकर रिपेयर हो रहा है। तो
हम पहुंच चुके हैं कैसे मोड़ पे, जहां पे मुकेश बाबू अपने घर निकल जाएगा डिब्रूगढ़ इस तरफ और मुझे जाना इस तरफ। मैं इसके चक्कर में थोड़ा आगे आ गया, मुझे पीछे से यू टर्न मारना था, बट कोई नहीं, यहां से भी मैं जा सकता हूं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो मुकेश भाई टेक केयर, ध्यान से जाइयो, यू टू दादा ध्यान से, ठीक है? हाँ सारा एंजॉय करना, बढ़िया बाइक को थोड़ा सा शाम को फोन करूँगा, बाइक को थोड़ा ध्यान से चलाइयो, ठीक है? और कच्चे बच्चे में मत उतारियो अब, ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। अब मैं और आप ही रह गए हैं इस आगे के राइड के सफर में, यानी कि मुकेश जा चुका है और मेरी ये सोलो राइड हो चुकी है और ये कंटिन्यू रहेगी टिल गुड़गांव वापस पहुंचने तक। सो गाइस, आई होप आप ये मेरा सफ़र एंजॉय करोगे अच्छे से, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। सो इस रूट पे आते ही मैंने गूगल मैप के थ्रू रूट देखा कि मेरे को दाऊकी पहुंचने के लिए कौन सा रूट अच्छा रहेगा, तो गूगल माता ने मेरे को ये रूट दिखाया है, देखते हैं मुझे कितनी जल्दी दाऊकी तक पहुंचाता है। तो मैं हूँ इस वक्त गांव के रास्तों में और ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये पूरा एलिफेंट जोन है और ये रोड एलिफेंट क्रॉसिंग के अंडर आता है। मेरी डेस्टिनी है आज की दाऊकी, देखो पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। कुमार जी ये मैंने ले लिया ऐसा रूट, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा रास्ता मिलेगा। ऊपर से मेरा शॉकर जो है हिमालयन का अब लेफ्ट साइड वाला और लीक हो चुका है, मुझे ये शिलोंग में ठीक करवाना पड़ेगा दोबारा। मतलब अपनी दाऊकी डेस्टिनेशन में एक स्टॉप ऐड कर लिया है इस शिलोंग। तो ये मैप अब मैंने लगा लिया है गूगल माता के थ्रू, अब गूगल माता ने मुझे ये रास्ता दिया है जाने के लिए शिलोंग का। जितनी तारीफ कर रहा था मैं रोड की उतना ही बुरा मिल गया मुझे रोड। फिर इसमें बाइक को संभालने में जो मेहनत लगती है वो अलग, तो बहुत ही ख़राब है यार, शॉकर तो ख़राब हो गई, तो मुझे लग रहा है कॉन्सर्ट में दिक्कत आ गई है, हैंडल बहुत खड़खड़ कर रहा है, गया तो मुझे डर है कहीं साला टायर पंचर ना हो जाए, भगवान जी साथ देख रखना। थोड़ा सा अच्छा रास्ता तो दिया है, भले इसमें स्पीड कम है मगर मेरे को इतने गड्ढे नहीं झेलने पड़ रहे हैं। और दूसरी बात, पूरी की पूरी विलेज लाइफ है इस रोड के आसपास, देखिए घर, सूरज देवता जी ढलने वाले हैं, अंधेरा होने वाला है, वेर देख लो जी कहाँ से जाना पड़ रहा है। मेरे ख्याल किसी ने नहीं घूमा ऐसा नॉर्थ ईस्ट, इतना तो मैं पक्का बोल दूंगा ऐसा नॉर्थ ईस्ट नहीं घूमा होगा किसी ने ऐसे तरीके से, जो कि मैं गलती से घूम रहा हूँ। और मैं भी हाईवे से जाता तो ये सब नहीं दिखता मुझे, तो मुझे दिखा रहा है 4 घंटा 14 मिनट, 114 किलोमीटर रहता है, 8:30 बजे तक पहुँच पाओगे और अभी टाइम हो रहे हैं 4:42। गूगल माता पे विश्वास है थोड़ा सा ही, और अभी तो इतने सारे घर हैं, बोलूँगा मुझे सोने दो आज रात के लिए यहीं पे ही बस। हमारी किस्मत में अच्छा रास्ता उतना ही था, थोड़ा सा फिर से इस रास्ते पे आ गए हैं, और अभी तो मेरा कैमरा ऑफ था वरना वो रास्ता जो गया है मैंने 3-4 किलोमीटर का जो स्ट्रेच निकाला है मधुमक्खी ने काट लिया रे। क्या क्या होगा भाई।
ओहो, ये तो बहुत ही तगड़ा कच्चा स्टार्ट हो गया। वहाँ से तो बारिश आती है मुझे लगता है। धन्य है गूगल माता, धन्य है गूगल माता। वो रास्ता आया, ये कुछ बोर्ड लगे हुए थे, मैंने देखा ये बोर्ड किस लिए लगे, पक्का जरूर कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होगा। और जैसे मैं यहाँ पे चढ़ा ये रोड, ओह ऐसे साइन, ओह गॉड थैंक यू। बट पता नहीं है कब तक होगा कब तक नहीं होगा, बट फाइनली मेरे को प्रॉपर रास्ता, अच्छा रास्ता मिल चुका है। मैं सच्ची कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट ऐसे किसी गलियों में कोई नहीं घूमा होगा। वो जो रोड देख रहे हो सामने से आ रहा है, ये रोड भी अच्छा है, इसका 50% ख़राब लगा लो ऐसे रोड था जो मैं उस रोड से आया हूँ। और ये वाला शॉकर फिर से लीक हो चुका है मेरा, ये फिर से लीक हो चुका है जो तेजपुर में मैंने ठीक करवाया था, एक शॉकर फिर से लीक हो चुका है। कॉन्सेप्ट में आवाज़ आ रही है, लगता वो भी चेंज कराना पड़े। और ये वाला शॉकर मुझे नहीं लगता ठीक होगा, यहाँ से तो लीक नहीं आ रहा बट यहाँ पे तेल दिख रहा है मुझे, पता नहीं बट क्या है। अब ये शिलोंग में जाकर ठीक होगा। मैंने अभी तक सिर्फ 50 किलोमीटर किया है इतनी देर में, 9 PM तक बता रहा मुझे ना। अगर ये ठीक होगा रास्ता तो मैं पहुँच जाऊँगा जल्दी, और अगर नहीं हुआ वहाँ तो पूरा पहाड़ियों वाला, ये पता नहीं ऐसा हो नहीं सकता ये पूरा का पूरा बना हो। थोड़ी देर रुकते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, फिर निकलते हैं। ओके शिलोंग यहाँ से रह गया 66 किलोमीटर के करीब और टाइम हुआ है 6:40। गूगल बता रहा है 8:58 में पहुँचोगे। अगर ऐसे ही रोड रहा तो मैं तो गूगल से पहले पहुँचा दूँगा, मगर सच्ची बोलूँ तो अगर ये रोड नहीं मिला होता तो मेरी बैंड बज गई होती। कुछ रोड बना हुआ था, मैक्सिमम रोड ख़राब था। वो तो शुक्र है कि मैं बारिश के टाइम पे नहीं आया, मतलब इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही, ये शुक्र मनाओ। अदरवाइज भाई साहब अगर बारिश हो रही होती ना तो इस रोड पे तो कीचड़ पानी बहना चपाक छुपो के, तो फिर बाइक का तो पता नहीं क्या ही क्या खराब होता। तो ये आ गया जी मैं थोड़े से हाईवे पे, तो ये बम्पर है ना जो ये बम्पर, इसके कारण ये जो शॉकर है इसके अल्फा के वो लीक हुए हैं, ना कि ऑफरोडिंग के कारण। ये है पक्का रोड, दिख रहा है आपको आगे, ये पक्का रोड है। और गूगल में तो मुझे बोल रही है टर्न राइट इस मोड पे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर लोकल से पूछा तो कह रहे कि ये जाएगा जाएगा ये रास्ता, तब इसमें जा रहा हूँ। ओहो, और मैं लेने लगा था ये सोच के कि थोड़ा ही ख़राब होगा ले लेता हूँ, लोकल से पूछा तो कह रहे कि बिल्कुल ही ख़राब है, जंगल का रास्ता है। चलो भाई चलते हैं। गाइस तो मैं शिलोंग पहुंच चुका हूं और ये है मौसी भाई, इन्होंने मेरी हेल्प की है। हाँ एक्चुअली मैं मुझे शोरूम नहीं मिल रहा था रॉयल एनफील्ड का, गूगल मुझे गलियों में घुमाई जा रहा था, तो मैंने बाइक खड़ी हुई देखी और घर वालों को आसपास को बोला कि ये किसकी बाइक है, तो उन्होंने इनको बुलाया, फिर इनसे मैंने पूछा रॉयल एनफील्ड का शोरूम के बारे में, पर ये फ़ोन करने लगे, फिर इनको याद में आया कि जो शोरूम है वो बंद हो जाता है, मत बंद रहता है कल को, तो फिर इन्होंने एक अपने मैकेनिक का फ़ोन दिया है जो लोकल है यहीं पे, तो उनका नंबर प्रोवाइड किया और साथ ही में इन्होंने हेल्प की है मुझे ये स्टे दिलवाने में आज के लिए। तो ये स्पेशली मुझे अपने साथ अपनी बाइक के पीछे पीछे लेके आए छोड़ने के लिए, तो मौसम भाई बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे तो दुनिया चलती रहेगी। ओके ठीक है मौसम भाई, टेक केयर। हाँ जी, और मैंने नंबर रख लिया आपका। हाँ ठीक होगा तो मैं कॉल करेगा। हम यहाँ ये गाउन का ना
सेक्रेटरी है। ओ वो सर, ये देखो ये इस गांव के इस जगह के सेक्रेटरी है। हाँ। तो फिर तो बस्ती देखभाल करने वाला है। अभी बात चलो, बाय बाय।